हुक्मरान रहते, इनकी हुक्मरानी भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों ही की बरकत है। इनको मदरसों की कदर करना चाहिए, मदरसों का एहसान मानना चाहिए, और इस मुल्क का सबसे कीमती सरमाया मदरसों को समझना चाहिए। लेकिन नहीं समझ रहे हैं, ना समझे इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहरहाल ये मदरसे बहुत शानदार हैं, इनकी खिदमत रोज़े रोशन की तरह है। दोस्तों दारुल देवबंद जिसमें आखिरी आली जिनके दौर में अंग्रेजों को जाना ही पड़ा, शेख उल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम भाई महमूद साहब के दादा शेख उल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दे दिया था कि किसी भी हिंदुस्तानी के लिए अंग्रेज की फौज में भर्ती होना जायज नहीं है, अंग्रेजों की मदद करना जायज नहीं है, बल्कि सारे हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों की बगावत करना चाहिए। दोस्तों ये बयान दे दिया और उस बयान पर हजरत मदनी को गिरफ्तार करके कराची ले जाया गया और कराची में जबरदस्त मुकदमा चला गया। अदालत में खचाखच भरी हुई थी अदालत और अंग्रेज हर तरफ से फौजी तोप तांदे हुए खड़े थे कि अगर आर्डर हो जाएगा तो कमरे अदालत ही में मौलाना को रोक के साथियों को उड़ा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों अदालत में मौलाना मदनी को गिरफ्तार करके पेश किया गया, जज के सामने बयान दिया उन्होंने और ये कहा कि जज साहब सुन ले, मैंने ये फतवा दिया था और आज भी दे रहा हूं और आइंदा भी दूंगा। बताओ अदालत में मुजरिम अपने जुर्म का इनकार करता है लेकिन ये अल्लाह के लिए जो है इस जुर्म को, अल्लाह के लिए इस जुर्म में मोहब्बत को करने वाला वो अदालत में अपने जुर्म का इकरार कर रहा है। और ये भी कह रहे हैं अगर बरतानिया से वायसराय हिंदुस्तान में इस्लाम मिटाने के लिए आएंगे तो इस्लाम की हिफाजत में जितनी गर्दनें कटेंगी उसमें पहली गर्दन हुसैन अहमद की। और ये भी फरमा दिया कराची के लोगों मुझे तुम्हें मुझे मेरे कफन की भी जरूरत नहीं है, मैं देवबंद से अपना कफन साथ लेकर आया, देवबंद से अपना कफन साथ लेकर आया। जब अदालत में ये बयान दिया मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी बैठे हुए थे, बेसाख्ता मौलाना मदनी के पैरों को चूम लिया, अल्लाह अल्लाह ये जुर्रत, ये तो सहाबे किराम की यात्रा का था। दोस्तों जानते हैं सब लोग समझ रहे थे कि मौलाना मदनी को फांसी हो जाएगी लेकिन अंग्रेज ने जज ने जो फैसला लिखा वही लिखा इन लोगों को 2 साल के कैद बामुशक्कत दी जाती, हालांकि फांसी होना था लेकिन अल्लाह ने हिफाजत फरमाई और फिर अल्लाह की हिफाजत का नतीजा हुआ कि अंग्रेज जिसको फांसी देना चाहता था वही शख्सियत अंग्रेजों के बिस्तर और बांधने पर मजबूर करने वाली बन गई और हिंदुस्तान से उनको जाना पड़ गया। तो दोस्तों ये मदारिस इनके कारनामे बहुत शानदार है, हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है कि मदारिस का एहतराम करें ख्याल करें, बल्कि हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है कि इन मदारिस की शान को, इनके रुतबे को, इनके दर्जे को, इनके कारनामों को पहचाने और मदरसों की खिदमत करें और मदरसों की मुखालफत से बाज आ जाए। इसलिए कि किसी की मुखालफत से बताओ मदरसों का बिगड़ेगा या मुखालफत करने वालों का बिगड़ेगा, बोलो मुखालफत हम तो रहेंगे होने वाले। दारुल देवबंद जब कायम हुआ अभी मोहम्मद शौकत साहब ने बड़ी तफसील से बयान किया कि पहले देवबंद से पहले मदरसे चलते थे, कोई नवाब साहब चलाते थे, कोई रईस साहब चलाते थे और कोई बहुत मालदार मदरसा चलाता था, कमरे वो बनवा देते थे और असातिज़ा की तनख्वाह वो देते थे, तलबा का खाना वो देते थे, लेकिन इसका नुकसान ये था वो मालदार साहब जिस दिन नाराज हो गए मदरसा बंद, 5 मिनट में मदरसा बंद, कमरों में ताला लगवा दिया, मदरसीन से काम तनख्वाह नहीं देंगे, तलबा से कहा कि जाओ अब हम खाने पीने का इंतजाम नहीं करेंगे, 5 मिनट का मदरसा बंद हो गया। अल्लाह बेहतरीन बदला दे और आला से आला बदला दे मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को, उन्होंने दारुल देवबंद को जो कायम किया तो उसमें उन्होंने शर्त लगा दी कि किसी जागीर पर भरोसा नहीं करेगा, किसी बादशाह पर हुकूमत पर भरोसा नहीं करेगा, आम गरीब मुसलमानों के चंदे से मदरसा चलेगा। दोस्तों बादशाह आज है कल नहीं रहेगा, रईस आज है कल नहीं, लेकिन आम मुसलमान हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों आम मुसलमानों के हाथ में दे दिया मदरसों को कि
ऐ मदरसो लो, ये तुम अरे मुसलमानों ये लो, ये तुम्हारे महबूब की अमानत है, ये तुम्हारे हुदूर के दीन के खादिम है मदरसे, इनकी खिदमत करना तुम्हारा दीनी फरीदा है। अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, तो इन अरबी मदरसों से मोहब्बत करो। माशाअल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमान कर रहे हैं, माशाअल्लाह कर रहे हैं। जो है एक दिन देवबंद में एक फटे पुराने बिल्कुल मामूली सा कपड़ा गंदा सा पहने हुए आया, और जो है कहने लगा जी चंदा कहाँ जमा होता है। पूछा गया कितना दोगे, कहने लगा 7 लाख रुपया लेकर आया। कितना लेकर आया? 7 लाख रुपया लेकर आया। तो दोस्तों अल्लाह ताला गैर से भेजता है, मुसलमानों से भेजता है, हमको हुकूमत की जरूरत नहीं है, हमको किसी और के अंबार से भी चलने के कायल नहीं है। आप जो है इसी मुल्क से मदरसों को चलाइए, इंशाल्लाह मदरसे चलते रहेंगे। मैं बताना ये चाहता था कि देवबंद में शेखुल हदीस थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, वो अंग्रेजों के बड़े मुखालिफ थे और मुल्क में कहीं भी जाकर अंग्रेजों को ललकारते थे। तो अंग्रेजों ने ये सब सोचा मौलाना मदनी को मदरसे से निकलवा दें, अगर ये मदरसे से निकल जाएंगे तो हमारी मुखालफत कम हो जाए, क्यों शख्सियत भी बड़ी है और मदरसा भी बड़ा है, दोनों मिलकर बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर मौलाना को कम से कम मदरसे से निकाल दिया जाए तो इनकी आवाज में वो दम नहीं रहेगा जो पहले है मदरसे में, तो इनको निकाल दिए। लेकिन दारुल देवबंद अंग्रेजों से पैसा लेता नहीं था, तो अब कैसे निकाले अंग्रेज, आदत कैसे दे। हैदराबाद के नवाब अंग्रेजों के दोस्त थे और तरफदार थे, अंग्रेजों ने उनको आमादा किया कि आप मौलाना मदनी, आप जो है दारुल देवबंद के मुहतमिन साहब को मजबूर कीजिए और उनको खत लिखिए, आप बहुत चंदा देते हैं, खत लिखिए। मौलाना मदनी को मदरसे से निकाल दिया गया। चुनांचे हैदराबाद के नवाब ने इतना बड़ा खत लिखा, उस वक्त मुहतमिन थे हकीम उल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, खत ये लिखा मुहतमिन साहब को मालूम हो कि मौलाना मदनी को मदरसे से निकाल दिया जाए, अगर उनको नहीं निकाला जाएगा मौलाना मदनी का मदरसे में रहना अंग्रेजों के लिए बहुत मुफीद। कैसे? हम इनको हफ्ते में 6 दिन छुट्टी नहीं देते, सिर्फ जुमे को 1 दिन छुट्टी के मिलते हैं और पूरे मुल्क में कहीं जाकर अंग्रेजों को ललकारते हैं। अगर हमने इनको मदरसे से निकाल दिया तो पूरा हफ्ता इनका खाली रहेगा, पूरा हफ्ता अगर खाली रहेगा तो 1 दिन के बजाय 7 दिन अंग्रेजों की मुखालफत करेंगे। अंग्रेज को अगर 7 साल में जाना है तो 1 ही साल में जाना पड़ जाएगा। इसलिए अंग्रेजों की भलाई इसी में है कि शेर को पिंजरे में बंद रखा जाए। ये खत लिखकर हैदराबाद के नवाब का खान को कारी तैयब साहब ने भेज दिया। कुछ दिनों के बाद शेख उल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि मेरे बारे में हैदराबाद से कोई खत आया और मोहतरमीन साहब ने कोई जवाब दिया है। दफ्तर एहतमाम में तशरीफ लाए, मोहतरमीन साहब से कहा हजरत हैदराबाद का ये नवाब का मेरे सिलसिले में कोई खत आया, आपने कोई जवाब दिया। हजरत ने फरमाया हैदराबाद के नवाब का खत और अपना जवाब हजरत के सामने पेश कर दिया। हजरत ने बहुत संजीदगी वकार के साथ मुताला किया, मुताला करके हजरत फरमाते हैं खारी साहब मोहतमीन साहब नवाब साहब को दूसरा खत लिखिए, आपने धमकी दी है कि अगर मौलाना मदनी को नहीं निकाला जाएगा मैं अपना चंदा बंद कर दूंगा। तो नवाब साहब को मालूम हो कि आइंदा चंदा देना तो दूर की बात है, अब तक जितना चंदा दिया है साल हर साल से सबकी लिस्ट भेज दीजिए, आपकी सारी रकम वापस कर दीजिए। आप समझते हैं मदरसा आपके चंदे से चलता है? मदरसा अल्लाह की अमानत है, इसको अल्लाह चलाने वाले हैं। दोस्तों हजरत कारी तैयब साहब का जवाब हकीमाना जवाब था और शेख इस्लाम का जवाब मुजाहिदाना जवाब, मुजाहिदाना जवाब था। यह है हमारे उलमा देवबंद की शान, ये हमारे उलमा देवबंद का रुतबा है। देवबंद आप कयाम अगर सुनेंगे, कयाम अगर सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। ये अल्लाह के चंद बंदे 1857 के बाद जब अंग्रेज मुल्क पर हावी हो गया, बहादुर शाह जफर कैद करके रंगून भेज दिए गए और मुगलिया हुकूमत खुद खत्म हो गई, इस्लामी हुकूमत का नामो निशान मिट गया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वाच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा, पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।
और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शादो आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।